कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि एम फॉर्म की जो प्रतिक्रिया है वो बंद हो जाए। इसी बात इसी विषय पर आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो है यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के जो है लोग यहाँ पे खड़े हैं और इन लोगों से जो है पेटिशन साइन करवा रहे हैं कि ये एम फॉर्म नहीं भरना चाहते, क्योंकि एम फॉर्म की प्रतिक्रिया में जब ये एम फॉर्म भरते हैं उसे फिल करने के बाद भी इनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं आता है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि कब से ये प्रतिक्रिया इन्होंने शुरू की। तो आज तकरीबन हो गए 10-12 दिन इस प्रक्रिया को शुरू किए हुए, तो हम टोटली चाहते हैं ये कम्प्लीटली अबॉलिश हो जाए, क्योंकि जिस टाइम भी वोटिंग होती है उस टाइम कश्मीरी पंडित विक्टिमाइज हो रहा है, उसको वोट नहीं होता है, कोई इसमें नाम नहीं होता है, क्योंकि वो अब इतना फेडअप हो गया वो बार बार ये एम्पावरमेंट, इसलिए हम इसको टोटली चाहते हैं इसको अबॉलिशमेंट ऑफ दिस एम्पावरमेंट। हम इसको ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा रहे हैं और फिजिकली हम यहाँ पर इसको हार्ड कॉपी पर भी ये रजिस्टर करवाए ताकि हम उसको बाद में ऑनलाइन उसको रजिस्टर करवाए। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि एम फॉर्म की प्रतिक्रिया में कितना टाइम लगता है और क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप एक एम फॉर्म फिल करते हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। उसमें टोटली मैंने कहा ना फेडअप हो गए, उसमें बहुत टाइम लगता है, ये इन्होंने बहुत लॉन्ग प्रोसेस किया हुआ है। हम चाहते हैं इसको जो हमारे पास जो रोलिंग कमिश्नर के पास जैसे रिकॉर्ड हो वो हम उसको कंसिडर करके हमारे वोट्स जो है वो अपडेट उस हिसाब से करा दें, क्योंकि अब हमने अपने यहाँ से शुरू किया ये प्रक्रिया शुरू किया, अब हम गवर्नमेंट से ये इसके लिए हम फाइट करेंगे, क्योंकि टोटल हम चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए, पूरा लिस्ट अपडेट हो जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये एम फॉर्म की प्रतिक्रिया क्या है, कितने दिन लगते हैं इस एम फॉर्म को फिल होने में, फिर वेरिफिकेशन का प्रोसीजर क्या है आखिर इसका? देखिए पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको आपके माध्यम से स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें जो कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से यहाँ पे बहुत ही दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, एक हमारे पास यही एक हक था वोट डालने का, उसके लिए भी हमें बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो एम फॉर्म बनना पड़ता है, इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे हमारे जो यंग लोग हैं वो कहीं चंडीगढ़ में रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं, उनको पहले वहाँ से यहाँ पे जम्मू में आके एम फॉर्म बनना पड़ता है, उसके बाद वोट डालना पड़ता है। ये एक इतनी अच्छी खतरनाक प्रक्रिया बना लॉन्ग प्रोसेस बनाया हुआ है कि जब उसके बाद जब एम फॉर्म भरने के बाद जब वो इंसान वोट डालने जाता है वहाँ पे उसका नाम नहीं होता है, उसको ये बोला जाता है कि क्या पता आपका नाम डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन में होगा, क्या पता आपका चिनोर में हो सकता है, क्या पता आपका मुट्ठी में हो सकता है। ये ऐसा प्रोसेस बिल्कुल ही इसको हमने अबॉलिश करना है, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। हमें जैसे पूरे इंडिया के लोग या जम्मू कश्मीर के लोग या बाकी कम्युनिटी जैसे वोट डालती है, हमें चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं हम भी वैसे वोट डालेंगे, हमें लेंथी प्रोसेस में मदद चाहिए प्लीज। आप मुझे बताइए कि अभी तक कितने लोगों ने जो है पेटिशन साइन कर ली है, कितने लोगों का नाम आप रजिस्टर कर चुके हैं? इसमें तकरीबन मुझे लगता है 5-6 हज़ार ने किया हुआ अभी तक जो हार्ड कॉपीज में है, ऑनलाइन वोट ये हम होल्ड करा रहे हैं उसमें मुझे लगता है 22,000 ने तकरीबन अभी तक जो हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो हम जो आने वाले दिनों में इसको और ये सारे जो भी थ्रू वर्ल्ड वाइड जो कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, क्यों हम इसको गवर्नमेंट के साथ फिर चेकअप करके इसको टोटली एबॉलिश कराना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि किस किस जगह पे आप अभी अपना ये कैंप लगा चुके हैं और किस जगह पे आपने और लगाया? हमने अलग अलग डिफरेंट एरियाज में लगाया, बोडी में लगाया हुआ, जगती में लगाया, टीआरटी नगरोटा में लगाया, दुर्गा नगर में लगाया हुआ है, कुरकू कैंप में लगाया हुआ, और आने वाले दिनों में वो सारे जितना भी जम्मू में एरियाज हैं उनको हम कवरअप करके इसको फिर गवर्नमेंट के साथ टेकअप करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टेकअप करके इसको टोटली हम वी वॉन्ट एबॉलिशमेंट ऑफ दिस फॉर्म एट एनी कॉस्ट। अब मुझे बताइए कि कितने लोगों ने आपसे शिकायत की कि हम पिछली बार जो है अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए इसमें वोट कास्ट करने के लिए थे, हमारा हमने एम फॉर्म तो भरे लेकिन उसमें जो है हमारे नाम नहीं था, या फिर बाकी इश्यूज जो उनको है, कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये तकलीफ जो है रजिस्टर करवाई? जी मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मैक्सिमम जितने भी हम चाहे जगती में गए हैं, चाहे हम पुरखू में गए हैं, चाहे हम बूटा नगर में गए हैं, मैक्सिमम 80-90% मैं तो बोलता हूँ ओवरऑल हर एक कश्मीरी पंडित ने ये बोला कि उन्होंने एक हार्डशिप का सामना किया है, फेस किया है हार्डशिप। किसी किसी का नाम, अगर मेरा नाम अश्विनी काक है, मेरी मिसिज़ का नाम और कोई डाल दिया गया है, मेरे फादर साहब का नाम मोहम्मद गरीब भट्ट के नाम से डाल दिया गया है, मतलब कि एक ये एक जो मेरा हमारा जो मानना है कि जो ये वोट डालने का प्रोसीजर होता है ये एक सीरियस मैटर है, मतलब कि इससे हम एक इंडिया का एक गवर्नमेंट हम चुनी जाती है, तो ये इसको ना कोई ऐसी कोई
ऐसी कोई एजेंसी नहीं है कि जो उसको थोड़ा सीरियसली ले कि इस अगर इन्होंने गवर्नमेंट सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर एम फार्म का एक प्रोसीजर उठाया है वो एक मतलब सीरियस हाथों में नहीं था, वो ऐसे ही गली में किसी ने खोल दिया, एक शॉप खोल दी, वहाँ पे छोटे मोटे मतलब 18 साल या 19 साल के लड़के बिठा दिए उन्होंने वहाँ पे और एम फार्म की प्रोसीजर उन्होंने वहाँ फिलअप करना शुरू कर दिया। तो किसी का जो पेपर होता है कहीं गिर गया उसका नाम नहीं आता है, तो एक सीरियस मैटर नहीं, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित कभी भी अपना जो हक है वो जता ना सके। इस बार अभी हमारे माननीय ने अमित शाह जी जब कश्मीर गए थे उन्होंने एक कश्मीरी पंडितों पे एक सीरियस एलिगेशन उठाई थी कि वो कश्मीरी पंडित वोट डालते नहीं हैं, उनको शायद ये चीज़ नहीं पता कि कश्मीरी पंडित को वोट डालने में कितने हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। खाली एक हमारी एक कम्युनिटी ऐसी है कि जिसको इतना कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब आपके माध्यम से हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, हमारे माननीय मोदी जी, हमारे अमित शाह जी, आप उनको कहना चाहते हैं कि आप एम फार्म का प्रोसीजर ख़त्म कर दीजिए, आप हमें बोल दीजिए, हम वोट डालने को तैयार हैं, आप हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दीजिए जिससे जो बाकी जैसे जो हमारे सिख बरादरी है, जो हमारी मुस्लिम बरादरी है, हमारे बाकी जो बरादरी के लोग हैं जैसे वो लोग वोट डालते हैं, हम लोग भी वैसे वोट डालना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए कि जब आप पोलिंग स्टेशन में वोट डालने गए कभी ऐसा हुआ कि आपका जो पोलिंग सेंटर है वो जम्मू में नहीं बना, आपको कश्मीर जाना पड़ा वोट कास्ट करने के लिए? नहीं, वैसे तो ऐसा ये हुआ कि जिस पोलिंग स्टेशन में हमने एम फॉरम में नाम दर्ज किया था उस पोलिंग स्टेशन पे हमारा वोट नहीं, वो डिफरेंट जम्मू में ही ऐसा जम्मू में ही था, जम्मू यही है मगर वो अलग अलग स्टेट से अलग अलग काउंटर, कश्मीर में नहीं था, जम्मू में ही, मगर अलग अलग एक जगह रजिस्टर है तो दूसरी जगह वोट डालना पड़ता है। जैसे बाद में हमारे कुछ जैसे लड़के हैं वो बाहर दिल्ली से आए, 30,000 रुपये खर्च करके वो वहाँ से आए वोट डालने के लिए, 2-3 घंटे के लिए जम्मू आए, बाद में भी कश्मीरी पंडित को कहा जाता है कि आपने वोट कास्ट नहीं किया, हम इसलिए चाहते हैं इसको टोटल हम एबॉलिश करना चाहते हैं क्योंकि ये प्रक्रिया हम नहीं चाहते बाद में दोबारा से हमें ये करना पड़े जो फॉर कमिंग इलेक्शन। आपने देखा कि कश्मीरी पंडित का विस्थापन हुए 30 साल हो चुके हैं, 30 साल के बाद इतनी सारी दिक्कतों का सामना करने के बाद जब आज कश्मीर से आने के बाद जब जम्मू में लोग कश्मीरी पंडित जो है आराम से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं फिर भी उन्हें अपने एम फॉर्म की प्रतिक्रिया के लिए चार पाँच दिन निकालने पड़ते हैं और फॉर्म फिल करने पड़ते हैं और फॉर्म फिल करने के बावजूद उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में नहीं होता है और जो नए वोटर्स हैं उनके तो अभी तक वोटर कार्ड भी शायद नहीं बने। माध्यम से आपने देखा कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इन कश्मीरी पंडित को। श्वेता सब लोगों को दीजिए इजाजत, ऐसे ही किसी इश्यू के साथ आपके साथ फिर कनेक्ट होंगे। नमस्कार।